शरद सिंह का मामला, पीड़ित आज कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराएंगे। आज बाकी पीड़ित कोर्ट में 164 के बयान दर्ज कराएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल, दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी। यौन उत्पीड़न के मामले में 12 मई तक रिपोर्ट मांगी। पहलवानों की याचिका पर पुलिस को नोटिस मिला था। अब आज जो बाकी के जो पीड़ित है कोर्ट में 164 के बयान दर्ज करवाएंगे। सांसद ब्रजभूषण सिंह का मामला, पीड़ित आज कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराएंगे। आज बाकी पीड़ित कोर्ट में 164 के बयान दर्ज कराएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल हुई, दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। यौन उत्पीड़न के मामले में 12 मई तक रिपोर्ट मांगी है। पहलवानों की याचिका पर पुलिस को नोटिस मिला था। मतलब है कि पिछले कई दिनों से जो पहलवान है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं और अब उन्हें तमाम लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, किसानों का भी समर्थन मिल रहा है। इन सबके बीच सांसद ब्रजभूषण शरद सिंह से जुड़ा हुआ यह मामला है। पीड़ित आज कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराएंगे। आज बाकी पीड़ित कोर्ट में 164 के बयान दर्ज कराएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल हुई है, दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। यौन उत्पीड़न के मामले में 12 मई तक रिपोर्ट मांगी है। पहलवानों की याचिका पर पुलिस को नोटिस मिला था। वहीं दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ने रिपोर्ट मांगी है, दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी। यौन उत्पीड़न के मामले में 12 मई तक रिपोर्ट मांगी है। पहलवानों की याचिका पर पुलिस को नोटिस मिला था। सांसद ब्रजभूषण शरद सिंह का मामला, पीड़ित आज कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराएंगे। आज बाकी पीड़ित कोर्ट में 164 के बयान दर्ज कराएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी हुई थी दाखिल, दिल्ली के एक अदालत ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट। यौन उत्पीड़न के मामले में 12 मई तक रिपोर्ट मांगी। सहयोगी स्वाति इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति, देखिए पिछले कई दिनों से जो पहलवान है, जो खिलाड़ी हैं, वो जंतर मंतर पर धरने में बैठे, ऐसे में जो अन्य इसमें जो शिकायतकर्ता, उनकी जो 164 की बयान है वो दर्ज होना है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है और रिपोर्ट भी मांगी है कोर्ट ने पुलिस से, क्या कुछ अपडेट? आज जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में जो पहलवानों ने याचिका दाखिल की थी उस मामले में सुनवाई है। इसके साथ ही जो बयान दर्ज होना है, सात महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसमें से एक नाबालिग है। नाबालिग का बयान दर्ज हो चुका है। जो बाकी महिला पहलवान है, यानी जो 6 महिला पहलवान है, उनका बयान 164 के तहत दर्ज आज कोर्ट में होगा। इसके साथ ही अहम दिन आज इसलिए भी है क्योंकि लगातार जिस तरह से पहलवानों का धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर जारी है और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से मामले की पूरी सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से फिर इनकार कर दिया, कहा आप निचली अदालत जाइए, तो राउज एवेन्यू कोर्ट में महिला पहलवानों ने याचिका दाखिल की थी, जिसमें जब इससे पहले सुनवाई हुई थी तो दिल्ली पुलिस से कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगा था और स्टेटस रिपोर्ट के बाद आज पूरे मामले की सुनवाई एक बार फिर से होगी। दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या स्टेटस रिपोर्ट दिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही महिला पहलवानों ने यह भी आरोप लगाया था कि पुलिस की तरफ से देरी की जा रही है कार्रवाई में, चूंकि FIR दर्ज हो चुका है कई दिनों पहले ही, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इधर इन सब के बीच जो 6 महिला पहलवान है उनका बयान